स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका ये 12वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग 11 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग कर रहे हैं रेनबो बुक प्रोज और पोएट्री से 400 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु हैज रिटेन द प्रोज आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो प्रोज है आपका, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैन काइंड, इस प्रोज को किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्ट्रांड रसल। ठीक है, याद रखिएगा आप। 82 नंबर क्वेश्चन है, अब ये राइटर का नाम दिया गया, उसके बाद पूछा गया कि बाज अ ब्रिटिश। तो यहाँ पे ना आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि जो ये बर्ट्रांड जो रसल हैं ये ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश का मतलब इनका जो जन्म स्थान है, आप कहिए कि जो कंट्री से बिलोंग करते हैं वो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ये ऑथर हैं इनका ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना होगा ब्रिटेन से, लंदन से, इंग्लैंड से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है मैथमेटिशियन। तो 82 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो बर्टन जो रसल है ना ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, मतलब ये गणित के जानकार हैं। और सिर्फ ये गणित के नहीं, ये हिस्ट्री के भी जानकार थे। और ये एक चीज़ और थे, वो आगे बताऊंगा आपको, अभी याद नहीं आ रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज अवार्डेड विथ नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन। अब यहाँ पे आपको ना दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि इनको नोबल प्राइज अवार्ड मिला था, और दूसरी बात इनको कब मिला था ये भी याद रखना है। तो 1950 में इनको नोबल प्राइज मिला था, और ये किस में मिला था, लिटरेचर में मिला था। और तीसरा बात कब मिला था, 1950 में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना तीन फैक्ट आपको याद रखनी है, और अगर आपने गेस पेपर लिया है तो मैंने तो ऑब्जेक्टिव के सारे फैक्ट बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको तीन फैक्ट याद रखना है। पहली बात कि नोबेल प्राइज इनको मिला है, दूसरा लिटरेचर में मिला है, और तीसरा 1950 में मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन इज रिटेन बाई। अब ये एक बुक है, कह रहा है कि वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, जो ये बुक है ना इसको किसने ऑथर्ड किया है, किसने लिखा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोड्स टू फ्रीडम। अब जो ये बुक है ये इनकी ही रचना है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, तो मैंने इसे डाल रखा है। तो यहाँ भी आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्ट्रांड रसल। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाउट अस, कहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमें सिखाया है, अस टू बी मोर फ्रेंडली, ज़्यादा मित्रवत होना सिखाया है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या किया है कि एक दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण जीने के लिए सिखाया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सिविलाइजेशन। ठीक है, सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द टर्म डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो टर्म है ना ये डेवलपमेंट ये किससे रिलेटेड है। तो जब आप प्रोज पढ़िएगा तो वहाँ पे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि ये मानव जाति, या फिर आप यहाँ पे इस ऑप्शन में कहें तो मैन से, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन का नंबरिंग, बट ये क्वेश्चन आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है द टर्म पिक्टोरियल इज रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये पिक्टोरियल है
तो आपको पता है जब आपने प्रोज पढ़ा है तो वहाँ पे पिक्टोरियल राइटिंग की बात होती है, तो ये रिलेटेड है राइटिंग से। मतलब पहले के ज़माने में जो लैंग्वेज थे जिनका मतलब उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जा चुका है, तो पिक्चर के फॉर्म में होते थे, तो ये पिक्टोरियल वहीं से बना है, रिलेटेड टू पिक्चर। तो यहाँ पे जो 86 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन 88 नंबर ये क्वेश्चन बन जाएगा, नंबरिंग गलत हो गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसी नंबर के हिसाब से बोलूँगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इन्वेंशन है एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो आविष्कार है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके पालतू करने से, मतलब किसको पालतू बनाने से। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एनिमल्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि जो कृषि का जो आविष्कार है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जानवरों को पालतू बनाने से, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कृषि का आविष्कार होना। ये प्रोज पढ़िएगा तो इसमें आपको ह्यूमन बीइंग्स के जो मानव जाति के जो लाइफ है, उनकी जो हिस्ट्री है, उनके बारे में ही बातें कही गई है। 88 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोज, मतलब इस प्रोज के अनुसार बताइए। आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, अकॉर्डिंग टू आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब प्रोज का नाम ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, होमो सेपियंस वाज अ वेरी खालिस्तान स्पेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोज के अनुसार बताइए कि जो होमो सेपियंस है, आपको पता है ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो कहता है कि ये क्या है, तो ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही अनकॉमन है, ये कॉमन नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रेयर का मतलब होता है मुश्किल से मिलने वाला प्रजाति। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। माइलस्टोन बोलते हैं जब कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है ना, तो उसकी शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मानव के विकास में, मतलब जो ह्यूमन प्रोग्रेस किया, तो उसके प्रोग्रेस में कौन सी ऐसी चीज़ें था जो माइलस्टोन बनकर आया। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, फायर। जो आग है ना, आग मानव के विकास में, जो आज मानव इतना आगे पहुंच चुका है, उसमें जो हमारा आग है, जो फायर है, ये माइलस्टोन माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोग्रेस्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन प्रोग्रेस किया, कौन उन्नति किया इन कोर्स ऑफ टाइम। कहता है कि समय जब बदलते गया, जब आगे समय चलता गया, तो उन समय के दौरान कौन है इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा क्या किया, प्रोग्रेस्ड किया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन ए होगा, मैन होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, द आर्टिस्ट इज अ जापानीज। तो याद रखिएगा, पहली बात तो आपको यह याद रखना है कि जो आर्टिस्ट है ना, ये एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी है। तो दो बातें याद रखनी है, पहली बात कि जो द आर्टिस्ट कहानी है, ये एक कहानी है और ये जापान का कहानी है और जापानी लड़के की कहानी है और इस राइटर को लिखने वाला भी जापानी ही है। तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको और आगे बताता जाऊंगा। 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्रोज। अब यहाँ पे बताना है कि जो द आर्टिस्ट आपका प्रोज है, इस प्रोज का जो मुख्य चरित्र है, मुख्य पात्र है, वो कौन है। तो आपको पता होगा इसमें एक 12 वर्ष के जापानी लड़का होता है, उसका नाम होता है सेबी। तो यही आपका मेन कैरेक्टर है, इसी पे तो पूरा कहानी घूमती नज़र आती है। तो जिस कैरेक्टर पे आपकी पूरी की पूरी कहानी घूम रही होती है, उसे ही कहते हैं मेन कैरेक्टर। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सेबी का हॉबी था, हॉबी आपको पता है शौक होता है, तो कहता है कि सेबी जो है ना, जो बच्चा है, इसका शौक क्या था। तो ये था गॉड्स को कलेक्टिंग करना,
है ना, जो उसको गॉड्स मार्केट से लाना और उसको कलेक्ट करना और उसको पेंटिंग बनाना, उस पर उसको डिजाइनिंग करना। ठीक है, तो 93 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। 94 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेबी है मेन कैरेक्टर, जो बच्चा है जापान का, ये कितने साल का है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख चुका हूँ, सेबी वाज अ 12-year-old जापानीज बॉयज, यहाँ पे बॉय एक ही है ना, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 12 ईयर, 12 वर्ष का है, यानी 94 का ऑप्शन बी सही है। 95 है विच टाइप्स ऑफ गॉड, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये, अच्छा आप ये समझ रहे हैं ना गॉड क्या होता है, आप अपनी भाषा में समझ लो कद्दू, है ना, जो कद्दू होता है आप बाजार से लाते हो ना, या फिर ये लम्बा भी होता है इस तरीके का कद्दू, हमारे यहाँ अभी इसका सीजन चल रहा है, तो आप डायरेक्ट समझ लो। ऐसे तो इसका मीनिंग बहुत बहुत फिगरेटिव और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो इसके एक बहुत अलग मीनिंग है, जो इस टाइप से होते हैं बंद, उसको हम गॉड बोलते हैं, या फिर कोई वेजिटेबल्स, लेकिन यहाँ पे आप सीधा समझ लो कद्दू की बात हो रही है। तो कहता है विच टाइप्स ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, तो सेबी को किस प्रकार के गॉड पसंद था। तो आपको पता है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इवन एंड सिमेट्रिकल। देखिए इवन का मतलब है कि जो चारों तरफ से बढ़िया हो, सुंदर हो, और सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो काफ़ी, मतलब सिमेट्रिकल का भी यहाँ पे अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल का मतलब है जो देखने में काफ़ी सुंदर हो और उसके चॉइस के अनुसार हो। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 96 है व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ, ये जो है ना इसको आप याद रखिएगा, इस फ्रेज को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। गेट रीड ऑफ मतलब होता है, गेट रीड ऑफ समथिंग मतलब होता है समथिंग से छुटकारा पाना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, तो क्या होता है ना कि गॉड से बहुत बदबूदार स्मेल आता है, अनप्लीजेंट मतलब ख़राब स्मेल आता है, तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए, मतलब उसको गायब करने के लिए सेबी क्या यूज करता था। तो ये भी आपको पता होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है चाय की पत्तियां, टी लीव्स। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज रिटेन बाई, अब यहाँ पे मैं इतना बाद क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये एक जापानीज राइटर हैं, उनका नाम है सीगा नेओया, तो ये सीगा नेओया के द्वारा लिखा हुआ है। ऐसे तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद करवा देता हूँ। आर्टिस्ट बोलते हैं जो आर्ट बनाता है, जो कि पिक्चर बनाता है, और सीगा से आप इसे रिलेट कर लीजिए, सीबा हमारे भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, शिवा। तो आप ऐसे याद रखिए कि एक आर्टिस्ट था, वो गॉड शिव का मतलब मूर्ति बना रहा था, या फिर आर्ट बना रहा था, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। तो डी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड वुमेन यूज्ड टू सेल सम, आपको पता है स्टोरी में एक बूढ़ी औरत होती है जिसका सब्जी का दुकान होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो सेबी है, स्कूल से जब छुट्टियाँ होती है या फिर घर से जब भी उसे फुर्सत मिलता है, तो मार्केट में जाकर गॉड की तलाश करने लगता है कि किधर मिले अच्छा सा और उसको मैं खरीद लूँ। तो इस बूढ़ी औरत के पास जाती है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिमेट्रिकल गॉड यहाँ पे उसको पसंद आ जाता है, सेबी को, और उसे वो खरीद लेता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो ओल्ड वोमेन है ना, वो क्या बेचा करती थी, तो वो वेजिटेबल्स बेचा करती थी, है ना, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। 98 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है सेबी बाउट अ 5-inch गॉड, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेबी ने, आप यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा, पहली बात कि वो जो गॉड था ना, तीन बातें याद रखनी होगी, ठीक है, वो कितने इंच लंबा था, तो 5-inch गॉड था, और ये किससे खरीदी थी, तो ये बूढ़ी औरत से खरीदी थी। तो याद रखिएगा सेबी बाउट अ 5-inch गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वोमैन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड,
तो यहाँ पे एक फ्रेज और है, इसे भी याद रखिएगा। कैच रेट हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़े जाना। जब कोई पर्सन कोई क्राइम करता है और क्राइम सीन पे ही पकड़ा जाता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे उस जो क्रिमिनल है जो रंगे हाथ पकड़ा गया, मतलब रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी फ्रेज है, ठीक है, तो याद रखिएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन जो सेवे था वो ना वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, अब कहाँ पे पकड़ा गया? तो आपको पता है जब उनके टीचर पढ़ा रहे थे क्लासरूम में, तो वो क्या कर रहा था, बेंच के अंदर गॉड को पॉलिश कर रहा था, और टीचर वो देख लेते हैं, उनको लगता है कि ये बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता और वो डांटते भी हैं, ठीक है ना। तो वही रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए क्लासरूम, ठीक है। 101 क्वेश्चन नंबर 101 कहता है हु बिकेम वेरी एंग्री, मैंने अभी आपको ये कहानी बताया, विद सेवी इन क्लासरूम, कहता है कि क्लासरूम में कौन कौन ऐसे पर्सन है जो कि सेवी से एंग्री हो गए, उनसे गुस्सा हुए। तो यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, इंग्लिश टीचर, फिजिक्स टीचर, इथिक्स टीचर और हिज फादर। तो यहाँ पे तो आपको पता है उनके टीचर थे, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन बी इथिक्स टीचर। अब यहाँ पे दो बातें बताऊँगा, इसे आप याद रखिए नॉलेज के लिए। पहली बात तो आपके एग्जाम के लिए याद रखना है, एंग्री विद समबडी होता है और एंग्री टू समथिंग होता है। मतलब बताऊँ, जैसे देखिए आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है और आप कंप्यूटर से नाराज़ हो, तो आप कहोगे आई एम एंग्री टू द कंप्यूटर। और अगर आप किसी पर्सन से नाराज़ हो, आप अपनी माँ से नाराज़ हो, तो आप बोलोगे आई एम एंग्री विद माई मॉम या फिर माई मदर। समझ में आया? तो एंग्री के साथ विद भी आता है, टू भी आता है। और एक बात और मेरे को बताना था, यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथिक्स टीचर, ऐसे टीचर जो इथिक्स पढ़ाते हैं उनको इथिक्स टीचर बोला जाता है। और इथिक्स क्या होता है, हमारा वेद पुराण रामायण महाभारत जो कि सच और गलत का रास्ता बताता है, इस तरह के ज्ञान को बोलते हैं इथिक्स, ठीक है। चलिए 102 क्वेश्चन कहता है कि सेवी स्टडीज एट, अब यहाँ बताना है कि सेवी कहाँ पे पढ़ता था, तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, तो आपको बताना है। 12 वर्ष का था बेचारा और ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। 103 क्वेश्चन नंबर है सेवीज फादर वर्क सेट, अब बताना है कि जो सेवी के पापा थे, जो सेवी के पिताजी थे, ये कहाँ पे काम करते थे? तो ये काम करते थे, इनकी एक कारपेंटर की दुकान थी, कारपेंटर शॉप थी, तो ये ब्रही का जो इनका काम होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। 104 नंबर क्वेश्चन है सेवी पेरेंट्स न्यू, मतलब सेवी के माता पिता को ये पता होता था कि वो हमेशा बाहर जाता है क्या खरीदने के लिए या फिर किसकी तलाश में, तो गॉड्स को। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेवी को माता पिता को पता होता था कि हमारा बेटा जब भी बाहर जाता है तो वो गॉड्स की तलाश में जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेवी लिव्ड इन हार्बर, हार्बर बोलते हैं जहाँ पे बंदरगाह होता है, बंदरगाह वाले शहर में रहता था, मतलब जो टाउन था ना वो बंदरगाह वाला टाउन था। आपको पता होगा यहाँ जहाँ से सिप चलता है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी सेवी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। 106 नंबर क्वेश्चन है एवरीवन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ टाउन टू अनदर, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके प्रोज में ही बताया गया है कि टाउन इतना छोटा था ना कि एक छोर से, मान लो ये टाउन है, तो यहाँ से यहाँ पार होने में 20 मिनट लगते थे अगर कोई पैदल भी चलता है तो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 सेवी वाज इंटरेस्टेड इन, तो सेवी क्या चीज़ में इंटरेस्टेड था, उसे क्या चीज़ करने में मज़ा लगता था, तो उसे पॉलिशिंग गॉड्स, गॉड को पॉलिश करना, ऑप्शन ए।
108 नंबर क्वेश्चन है, द क्यूरियो डीलर पेड। तो आपको पता होगा जो ये गॉड है ना, उस बूढ़ी औरत से खरीदा जाता है, तो उसको 2-3-4 बार बेचा जाता है ना, तो ये आप याद रखिएगा। तो कहता है कि जो क्यूरियो जो डीलर है ना, वो कितना रुपया पेड किया, वो कन्फिस्केटेड जो गॉड था उसके लिए कितना रुपया पेड किया। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, यू आर एन इडियट, ये जो सेंटेंस है ना, ये किसने कहा, किसने चिल्लाया। तो आंसर होगा उसका टीचर क्लासरूम में, वो बोला कि यू आर एन इडियट, मतलब जब वो पकड़ा जाता है सही भी काम करते हुए। तो 110 क्वेश्चन नंबर है, द पोर्टर, अब देखिए यहाँ पे पोर्टर वही बात हो गया है ना, फिर से वो गॉड बेचा जा रहा है, तो इसका भी आप आंसर दीजिएगा। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवी फॉर, तो पोर्टर कितने में बेचा था, तो पोर्टर 50 येन में बेचा था, ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो येन है ना, ये जापान की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ करेंसी रुपया है उसी तरीके से। तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं, तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।